गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, दिस इज योर हिंदी पीरियड। टेक आउट योर हिंदी लिटरेचर बुक भाषापथ। सो क्लास, कम टू पेज नंबर 92। प्लीज लिसन केयरफुली। साल में एक या दो बार पक्षियों के पंख गिर जाते हैं, उनके स्थान पर नए पंख निकल आते हैं। नए पंख निकलने से पहले पक्षी अपना बचाव करते हैं, इसके लिए वे कहीं छिप जाते हैं। पक्षियों के नए पंख जरूरी होते हैं क्योंकि पुराने पंख ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, इस कारण वे उड़ नहीं पाते। पक्षी के शरीर का तापमान अधिक होता है, अतः वह गर्म हवा में भी आराम से उड़ता रहता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने से पहले जमीन पर कुछ भागते हैं, फिर पंखों की सहायता से काफी ऊपर चले जाते हैं। गर्म क्षेत्र थर्मल में पहुंचकर आराम से उड़ते रहते हैं। यह सब पक्षियों के शरीर के तापमान, उनकी खोखली हड्डियों, मजबूत मांसपेशियों एवं पंखों के कारण होता है। कुछ पक्षी मौसम बदलते ही हजारों मील दूर गर्म देशों की तरफ चले जाते हैं, इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। हमारे देश के कई पक्षी या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने वाले हैं। सरकार ने इन्हें संरक्षण के लिए पक्षी विहार बनवाए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गोवा में पक्षियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो साल में एक या दो बार पक्षियों के पंख क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जिस तरह हमारे हेयर्स गिर जाते हैं ना, फिर न्यू हेयर्स आते हैं, उसी तरह इनके भी, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो गिर जाते हैं साल में एक या दो बार। उनके स्थान पर नए पंख निकल आते हैं, ठीक है। नए पंख निकलने से पहले पक्षी अपना बचाव करते हैं। जब तक उनके नए पंख नहीं निकलते तब तक वो अपने आप को बचा के रखते हैं। इसके लिए वे कहीं छिप जाते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कहीं छिप जाते हैं। पक्षियों के नए पंख जरूरी होते हैं, उनके नए पंख निकलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पुराने पंख ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण वे उड़ नहीं पाते। उनके जो पुराने पंख होते हैं एक तरीके से वो बेकार हो जाते हैं, उनकी वजह से वो उड़ नहीं पाते, इसलिए नए पंख आना बहुत जरूरी होता है। पक्षी के शरीर का तापमान अधिक होता है, अधिक मतलब ज्यादा होता है, अतः वह गर्म हवा में भी आराम से उड़ता रहता है। इसका मतलब यह है कि चाहे कितनी गर्मी हो, उनके शरीर का तापमान जो होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वो गर्म हवा में भी उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने से पहले जमीन पर कुछ भागते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि वो उड़ने से पहले जमीन पर थोड़ी देर तक भागते रहते हैं, उसके बाद वो उड़ते हैं, फिर पंखों की सहायता से काफी ऊपर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने पंखों की हेल्प से वो क्या करते हैं, काफी ऊपर तक उड़ जाते हैं। गर्म क्षेत्र थर्मल में पहुंचकर आराम से उड़ते रहते हैं, और गर्म क्षेत्र में भी पहुंचकर वो आसानी से उड़ते रहते हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगती। यह सब पक्षियों के शरीर के तापमान, उनकी खोखली हड्डियों, ये सब किस वजह से होता है, उनके शरीर का जो तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है, और जो उनकी खोखली हड्डियां होती हैं उनकी वजह से, और जो मजबूत मांसपेशियां हैं, और जो उनके पंख हैं, इन सब के कारण होता है कि वो आसानी से उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी मौसम बदलते ही हजारों मील दूर गर्म देशों की तरफ चले जाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जब मौसम बदलता है तो वो दूर गर्म देशों की तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी वो होते हैं कि जो एक स्थान पर नहीं रह पाते, एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी जगह को बदलते रहते हैं। ओके, हमारे देश के कई पक्षी या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने वाले हैं। हमारे देश के कई पक्षी जो हैं, विलुप्त मतलब कि गायब हो चुके हैं और या फिर गायब होने वाले हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए पक्षी विहार बनवाए। संरक्षण मतलब उनके बचाव के लिए
पक्षी विहार बनवाए हैं, मतलब कि जहाँ पे पक्षी रह सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। वहां पर हमें अगर हमें देखना हो अलग अलग प्रकार के कैसे क्या कौन कौन से पक्षी होते हैं, तो हम पक्षी विहार में जाके देख सकते हैं। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गोवा में पक्षियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन सभी जगहों पर पक्षियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, मतलब अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पे पक्षी आसानी से ठहर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नाउ रिपीट आफ्टर मी। साल में एक या दो बार पक्षियों के पंख गिर जाते हैं, उनके स्थान पर नए पंख निकल आते हैं। नए पंख निकलने से पहले पक्षी अपना बचाव करते हैं, इसके लिए वे कहीं छिप जाते हैं। पक्षियों के नए पंख जरूरी होते हैं क्योंकि पुराने पंख ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, इस कारण वे उड़ नहीं पाते। पक्षी के शरीर का तापमान अधिक होता है, अतः वह गर्म हवा में भी आराम से उड़ता रहता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ने से पहले जमीन पर कुछ भागते हैं, फिर पंखों की सहायता से काफी ऊपर चले जाते हैं। गर्म क्षेत्र में पहुंचकर आराम से उड़ते रहते हैं। यह सब पक्षियों के शरीर के तापमान, उनकी खोखली हड्डियों, मजबूत मांसपेशियों एवं पंखों के कारण होता है। कुछ पक्षी मौसम बदलते ही हजारों मील दूर गर्म देशों की तरफ चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। हमारे देश के कई पक्षी या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने वाले हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए पक्षी विहार बनवाए। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गोवा में पक्षियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। क्लास आपको भी इसी तरह से इसको इतने पैराग्राफ्स को अच्छे से रीडिंग करनी है इनकी, जिस तरह मैंने आपको अभी करके बताई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।